सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका बड़ा बयान आपको बता दें जिसमें कहा कि एक ही मोदी सब पर भारी है, जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध यहां पर किया जा रहा है, ये कहना एकनाथ शिंदे का। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विघ्न डालने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकशाही का पवित्र मंदिर है और ऐसे में सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकशाही के पवित्र मंदिर पर ये जो संसद भवन का जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, देशवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। और ऐसा मोदी साहब ने जो 2019 में इसकी शुरुआत की और 2023 में इसका लोकार्पण हो रहा है, ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है, लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए वो सब डर गए। और ये कि मोदी सबको भारी ऐसी बात हो गई है, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे और सब विरोध कर रहे, लेकिन ये जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिन्हें आप इस वक्त आप सुन रहे थे। प्रेरित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेरित, पूरे देशवासियों को गौरवान्वित महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है और एक त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट करने की तैयारी की जा रही है कि नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन होगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात हो जाती है जब विपक्ष के कुछ नेता जिन्हें खुद इसमें शामिल होना है, यहीं पर बैठ करके कामकाज करना है, जनता के हित में फैसले लेने हैं, उनके सरोकार के लिए काम करना है, वही इसका विरोध कर रहे हैं।